अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ मटकी का। कड़ी पत्ता डाल देंगे, कांदा डाल देंगे तेल में, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, 2 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, 1/2 चम्मच हल्दी डाल देंगे, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर डाल, मसाला डाल देंगे। इसमें मैं कांदा डाल दूंगी, कांदा फ्राई करा हुआ डाल दी हूँ, 1 चम्मच दही डाल देंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे। कांदा गोल्डन ब्राउन हो गया, मसाला डाल देंगे, जले नहीं करके इसको पानी डाल देंगे, अच्छे से मिला लेंगे, इसको ढक्कन ढक देंगे, इसको एक बार खोल के देख लेंगे। मसाले ने तेल छोड़ दिया है, दही और कांदा फ्राई का पेस्ट था वो भी डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको भी 1 मिनट के लिए ऐसे ही ढक के रख देंगे। खोल के देख लेते हैं, तेल अच्छा भून गया है मसाला। इसी में जो मटकी थी वो डाल देंगे, मैंने आलू 2 कट करके रखी थी वो भी डाल दिए, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। डाल देंगे इसमें 1-2 मिनट इसको मसाले में भूनने देंगे, ढक्कन खोल के देख लेंगे, जैसे मसाले में भून गया है। जितनी अपन को ग्रेवी चाहिए उतना पानी डाल लेंगे अपन लोग। फिर ढक्कन ढक के रख देंगे 10 से 15 मिनट, जब तक ये गलेगा नहीं। सी ढक्कन खोल के देख लेंगे, आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से गल गया है। इसी में हरी मिर्ची कोथमीर डाल के मिला लेंगे, आप देख सकते हैं कितना अच्छा और कितना टेस्टी बना ये। सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं, लोग देख सकते हैं कितना टेस्टी और कितना मज़ेदार बनाई है। सेव पापड़ी डाल देंगे, इससे बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा लगता है। इसको पाव तोड़ेंगे, ऐसा डालेंगे, नींबू निचोड़ो, और टेस्टी और बहुत मज़ेदार बनता है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अल्लाह।